विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचे हुए हैं बलुआ पंचायत में और अभी हम यहाँ के मुखिया रामजीत पांडे जी से बात कर रहे हैं और जानते हैं कि सात निश्चय योजना के तहत अभी जो भी काम चल रहे हैं इसमें इनको कहाँ बाधा आ रही है या फिर ये कितना खुश है इस सात निश्चय योजना से, आइए बात करते हैं रामजीत पांडे जी से। बताया जाए ये सात निश्चय योजना जो चल रहा है इसमें आपको कैसा, ये कैसा योजना लग रहा है? बहुत सही योजना लग रहा है जी। कितने वार्ड हैं आपके? हमारे यहाँ 16 वार्ड हैं। और इस पंचायत में गांव कितने हैं? इस पंचायत में गांव ऐसे मान लीजिए कि ऐसे टोला लेकर चार हुए ऐसे गांव दो ही हैं। गांव दो है जी और टोला वगैरह मिला के चार। हाँ जैसे थाना नंबर दो मैंने जैसे पांती थाना नंबर एक हो गया और थाना नंबर 21 में मैंने दो टोला आता है अचल का टोला खवासपुर। कौन कौन गाँव है? गाँव पीरपाती बोलूँगा टोला अचरजलाल नया खवासपुर। अच्छा अच्छा तो इसमें आपको परेशानी कहाँ आ रही है? परेशानी हमको थोड़े आ रही है, परेशानी यही है कि यहाँ पर मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन के लिए ठीक सबसे ज़्यादा परेशानी वृद्धा पेंशन का ही है जो सरकार खाता से जो दे रही है तो नाम में गड़बड़ के चलते बहुत से मैंने पेंशनधारियों को अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताइए सात निश्चय योजना के तहत जो काम चल रहा है कौन कौन वार्ड में काम चल रहा है? हमारे यहाँ 8 वार्ड में काम चल रहा है। कौन कौन वार्ड? 15, 16, 11, 8, 9, 5, 6, 7। अच्छा काम चल रहा है। हाँ हमारे यहाँ जो नल जल तो है ही नहीं है PHD के माध्यम से होगा और जो ये अभी ईट सोलिंग कार्य चल रहे हैं। अच्छा शौचालय का क्या क्वेश्चन है? शौचालय में शौचालय वाला भी दिक्कत है जैसे जियो टैगिंग का मामला आ रहा है बहुत लोग मैंने जैसे ऑनलाइन में नहीं है शौचालय हम अपने मैंने प्रोत्साहित कर मैंने बहुत लोगों का शौचालय बना दिए हैं तो उसका पैसा अभी नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन में नाम होगा पहले था कि बनवाइए लोग बोले कि बनवाइए जितना हो वार्ड वाइज मैंने इसको अथी कीजिए तो लेकिन बात ये यहाँ तक आकर रुक गई है कि बहुत लोग शौचालय बनाए हैं पैसा नहीं मिल रहा है। कितना परसेंट शौचालय बन गया? हमारे यहाँ करीब करीब 50% घरों में शौचालय बन गया है। अच्छा तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ तक कि बहुत सारे पदाधिकारी भी आपको देख रहे हैं जी जी। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? सरकार जो भी कर रही है वो जनता के हित में काम कर रही है ठीक। सात निश्चय जैसे चालू हुआ है तो ठीक है बहुत विकास मैंने जैसे हम पहले हम लोग विकास करते थे तो बहुत कम कम जैसे राशि आती थी पंचायत में 2 लाख 4 लाख यही आती थी जैसे मान ली कि थोड़ा बहुत काम हुआ काम मैंने तेजी से हो रहा है यानी कि आप खुश हैं? हाँ हाँ सरकार से हम खुश हैं जो भी सरकार कर रही है तो जनता के हित में लेकिन वो पेंशन वेंशन का मामला है जैसे शौचालय का है बहुत लोग शौचालय बना लिए पैसा समय पर नहीं मिल रहा है बाकी उधार लेकर मैंने कुछ लोगों को हम अपने तरफ से ईंटा दिलवा दिए उधार उसका भी शौचालय का पैसा नहीं आ रहा है तो दिक्कत हम लोग को झेलना पड़ता है क्योंकि गाँव में हम लोग रहते हैं कोई भी कहेगा कि मुखिया जी शौचालय का पैसा नहीं आया वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है समय से दो दो बरस हो गया मान लीजिए कि नाम इधर उधर होने के चलते बहुत लोग को नहीं मिल रहा है यही दिक्कत है। चलिए बहुत अच्छा लगा है कि सात निश्चय योजना सरकार की एक अच्छी पहल कही जाएगी और निश्चित तौर से हमारे पंचायत में एक बेहतर विकास हो रहा है। कहीं से हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, सरकार जो भी करेगी जनता के हित में करेगी और जो भी कर रही है बहुत अच्छा करेगी। बहुत अच्छा लगा बात करके रामजीत पांडे जी से। धन्यवाद। समृद्धि न्यूज चैनल सर सुख तिवारी कैमरा मैन आ गया साथ। थैंक यू।